डैजलिंग डायमंड क्वीन ने अपने दूसरे शानदार भव्य इवेंट से क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे माहौल का एहसास कराया। और इस शानदार शो की ऑर्गेनाइजर रही भावना खंडेलवाल, जो कि डायरेक्टर ऑफ विन चैम हॉलीडे, साथ में नेहा खंडेलवाल। डैजलिंग डायमंड क्वीन क्लब के मेंबरों ने जमकर इस पार्टी में धमाल किया और जिसे देखो वही मस्ती में सरोवर नजर आया। यहाँ खान पान से लेके गेम्स, क्विज और कई तरह की एक्टिविटी से मनोरंजन के साधन रखे गए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। धानवी डायमंड के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए भी खास तरह के इंतजाम रखे गए। और हम आपको बता दें कि सेलिब्रिटी मिक्की गुप्ता, जो कि टॉप 5 फाइनलिस्ट प्राइड ऑफ द नेशन मिसेज इंडिया है, वह भी बतौर चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रही। Finalist of Mrs. India Pride of Nation, Neha Khandelwal honored me. She organized a Dazzling Diamond Queen, and this platform, it's a very beautiful platform for all the women who explore her talent, like singing, dancing, anything else. I really appreciate to Neha Khandelwal, who's supporting all the women who doing something for herself. डैजलिंग डायमंड क्वीन क्लब का यह दूसरा इवेंट था। इससे पहले भी वह एक शानदार इवेंट का आयोजन कर चुके हैं। और हम आपको बता दें कि यह क्लब तेजी से उभरता हुआ क्लब है, जो अपने इवेंट के बल पर लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रहा है। और अब इनके इवेंट में ईस्ट दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के दूरदराज इलाकों से भी नए सदस्य आने लगे हैं। मेरा नाम नेहा खंडेलवाल है। मैं डैजलिंग डायमंड क्वीन की एक ऑर्गेनाइजर हूँ। हमने ये क्लब ईस्ट दिल्ली में स्टार्ट किया है फॉर लेडीज़ टू हैव फन, कल्चरल इवेंट्स को हम साथ में सेलिब्रेट करें। इस बारी हमने क्रिसमस और न्यू ईयर थीम के ऊपर ये पार्टी रखी थी, जिसमें हमने बच्चों के लिए भी अलग इंतज़ाम किया था, गेम कोऑर्डिनेटर था, बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया है। रेड एंड वाइट की ये थीम पार्टी थी। कोई भी इस क्लब का मेम्बर बन सकता है जो दिल्ली में रहते हैं। इसमें चार इवेंट्स हैं जो इसी टाइप के बैंक्वेट्स में, ऑर्चिड ग्रैंड में इस बार हमने प्रोग्राम किया, इसी टाइप के बैंक्वेट्स में कवर्ड होंगे विद फुल मस्ती धमाल। इसमें सब एज ग्रुप की लेडीज आ सकती है। इट्स ओपन टू ऑल। थैंक यू सो मच। मी एंड नेहा बोथ आर डूइंग द सेम प्लेटफॉर्म एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू द लेडीज। Those are not going out from the house, and those are homemakers. They are not getting any platform for work, or they are not getting exposure. We are giving a chance those ladies to get a platform and get a chance to promote theirself and present theirself. So this is the trial, or you can say the we are trying our level best to give them a best from our services and best from our club. And we basically not a club, we are a family. Those are coming to us, they are not for us a member or a lady. They all are for family for us, they all are friend for us. So we are giving the best out of our time and our from our business or from our club. Okay, thank you so much. क्लब के मेंबरों ने यहाँ जमकर मस्ती की। कई घंटे तक चले इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गेम्स रखी गईं। और जब क्लब के सदस्यों ने मीडिया से बात की तो इस क्लब की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छा इवेंट है ये, और बहुत इंजॉय किया है हमने, बहुत मज़ा करा यहाँ पर। और एज अ डांस क्वीन मुझे यहाँ पे प्राइज़ मिला था, एंड बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का। और मैं ये भी चाहूँगी आगे कि बहुत लेडीज़ यहाँ पे ज्वाइन करें क्लब, बिकॉज़ ये बहुत एंटरटेनिंग है, इसमें हमने खूब इंजॉय किया। सिंस वैसे तो आई एम अ नॉन मेंबर, आई जस्ट कम फॉर फन विद माय सिस्टर, बट इट्स यू नो रिमेंबरिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय सेल्फ, एंड now I'm repenting why I have not joined it as a member because I have just a walk-in member, but it was really a fun. I mean the event, the organizers and the crowd, everything, in fact the snacks served, everything was very good. It was a very good evening.
मैं डॉक्टर सृष्टि हूँ और मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने इनका इवेंट अटेंड किया है. मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने पहले जो जितने भी इवेंट्स किया आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. इसमें बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था, कोई बायसिंग नहीं थी और खूब इंजॉय किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खिलाए गए, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल बोरियत नहीं हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस इवेंट का एक हिस्सा हूँ. एक्चुअली दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एंड वी गॉट द हैम्पर ऑल्सो. This is the hamper and we enjoyed a lot and we liked the event. We surely recommend to others also. Thank you. Thank you so much to Dazzling Queen for inviting me here. It's a fun segment and मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत motivated feel हुआ यहाँ के आके यहाँ पे perform करके. audience बहुत अच्छी थी जिन्होंने organize किया है. मिस नेहा वो काफ़ी काफ़ी cooperative थी और मतलब उन्होंने काफ़ी motivate किया और ये seriously this function is awesome. डैजलिंग डायमंड क्वीन क्लब इस मौके पर मस्ती भरे माहौल में आप देख सकते हैं कि अपने कल्चर को सभी तक पहुंचा रहा है. जैसा कि आजकल तनाव भरी जिंदगी में लोग अपने कामों में उलझे हैं, साथ ही उनकी सामाजिक जिंदगी खत्म होती जा रही है. अपने इवेंट के बल पर डैजलिंग डायमंड क्वीन क्लब ने उस मुहिम को एक बार फिर जिंदा किया है और लोगों ने भी इस नए कॉन्सेप्ट को खूब सराहा है. माय कंपनी नेम इज धानवी डायमंड्स एंड सो दिस इज आवर सेकंड इवेंट एंड बीइंग सेकंड इवेंट आई फील दैट आवर ग्रोथ इज एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट. इन द फर्स्ट इवेंट वी जस्ट हैड 30 मेंबर्स एंड टुडे आवर स्ट्रेंथ हैज गॉन बियॉन्ड 50 मेंबर्स एंड देयर आर ऑलमोस्ट 40 वॉकिंग, सो वी हैव ऑलमोस्ट 100 पीपल टुडे एट दिस इवेंट. आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. And today we have also a celebrity between us, Mrs. Vicky Gupta. She is Mrs. India, Pride of Nation. And today seeing all kids around and all those women around, I'm feeling very excited. You know, my main purpose was to become social, to increase our social circle. Because in today's world, जो आज की जितने भी अपकमिंग हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला जो कल है हमारा, वो सोशल नहीं है. घर में बैठ के वो बच्चा सिर्फ वो कर रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है या लैपटॉप पे अपने गेम खेल रहा है और बाहर के किसी भी वातावरण से, बाहर के किसी भी यार दोस्त से बहुत कम इंटरेक्शन हो गया है. मैं अपनी बात करूं तो हम बचपन में इतना कुछ करते थे, इतना इंटरेक्शन था, बाहर खेलना कूदना भी सब बंद हो गया है. इस इवेंट के थ्रू, इस इवेंट के माध्यम से हम इन बच्चों को इकट्ठा करके आज हमने इनको बहुत सारे गेम्स कराए, इनका बहुत सारा एंटरटेन किया और मैं इसी उम्मीद करता हूं कि इनका आगे चल के अब इसी ग्रुप के थ्रू एक अच्छा सोशल सर्कल डेवलप हो जाएगा. यही मेरा एक मेन मोटो था, यही मेरा एक मेन, मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपने और बाकी सारे सबके बच्चों को एक अच्छा सोशल सर्कल, एक अच्छा उठना बैठना और एक, क्योंकि सोशल सर्कल ही है जो इन बच्चों को आगे चल के उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएगा प्लस उनको वो संस्कार देगा जो एक दूसरे से उठने बैठने, मिलने जुलने के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी मैसेज के साथ आई विल से थैंक यू टू द टीम, थैंक यू टू यू एज वेल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक्स अ लॉट. Opportunity to explore, so it's a good thought for the women and I appreciate all the members who are joined over here and we'll further soon happening more events like this. Thank you so much. It's a nice event and it's a good exposure for the women who are, you know, not socializing as a working woman. So it's a good platform for everybody and the people who are, you know, working from home is also a good platform for them as well, because you know that's how they can, you know, come out of their homes and can do something worthwhile. And we've come here for the very first time, but it's a nice exposure, though we were a little late for the program, but then we are enjoying a lot. Thank you so much. डार्जिलिंग डायमंड क्वीन और धामी डायमंड का यह संगम लोगों के सर पर इसका जादू चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वानगी इनके लगातार बढ़ते हुए सदस्यों में दिखाई देती है. कहना गलत ना होगा कि ईस्ट दिल्ली का यह क्लब आने वाले दिनों में दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अपनी धूम मचाएगा. नई दिल्ली कड़कड़धुमा से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट.